अब धर्म से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मुंबई से आ रही है। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के धर्म के बारे में आप जरा कुछ आपको किस्सा बताते हैं। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने फिर निशाना साधा है, वो भी कुछ और तस्वीरों के जरिए, कि वानखेड़े तो मुसलमान ही है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये क्या किया तूने समीर दाऊद वानखेड़े। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच तीखी जंग में ये नया तीर है जो नवाब मलिक ने छोड़ा है। ये तस्वीर समीर वानखेड़े की पहली शादी की है जिसमें वो निकाहनामे पर दस्तखत कर रहे हैं। इस तस्वीर में समीर वानखेड़े के सिर पर गोल टोपी भी नजर आ रही है। समीर वानखेड़े हिंदू हैं या फिर मुस्लिम, इसे लेकर नवाब मलिक लगातार सवाल उठा रहे हैं। धर्म को लेकर चल रही इस लड़ाई में नवाब मलिक का जवाब वानखेड़े परिवार भी दे रहा है। नवाब मलिक ने तस्वीर जारी की तो उसका जवाब वानखेड़े परिवार ने भी तस्वीरों से दिया। इन तस्वीरों में समीर वानखेड़े पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर उनकी दूसरी शादी की है जो हिंदू रीति रिवाज से हुई। यही नहीं, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने दस्तावेज फिर से जारी किए हैं। इसमें पैन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक और बैंक के दस्तावेजों से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक शामिल है। वानखेड़े के धर्म को लेकर घमासान है तो उनके कर्म पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए जो कहा है उससे गिरफ्तारी की मंशा पर शक पैदा हो रहा है। हाईकोर्ट ने एनसीबी की थ्योरी को दरकिनार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्यन के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ऑर्डर इन आर्यन खान केस क्लियरली सेज देयर इज नो एविडेंस। इट शोड इट वाज फर्जीवाड़ा, द फेक केस हैज बीन मेड बाय श्री वानखेड़े। इट वाज द क्लियर कट केस ऑफ किडनैपिंग एंड रैंसम। Due to the selfie leak, the plan was totally failed. समीर वानखेड़े का समय सही नहीं चल रहा। उनका धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र, उनके तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। देखना यह है कि इन आरोपों से समीर वानखेड़े पाक साफ होकर निकलते हैं या फिर आरोप लगाने वाले सच्चे साबित होते हैं। इस बीच आज बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को एक और झटका लगा है। अदालत ने नवाब मलिक के वानखेड़े पर सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक को राइट टू स्पीच है, यानी अभिव्यक्ति का अधिकार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।